दोबारा मैं दोबारा फेरू आई बोना जब से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नया गाना रिलीज हुआ है आरा में दोबारा, तब से एक भोजपुरी में नया विवाद शुरू हो चुका है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ओरिजिनल गाना किसका है। जी हां, आपके पास मैं कुछ एक सबूत पेश करूंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल गाना किसका है। जी आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह के पास ये गाना 10 मई 2021 को पहुंच चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे विक्की विशाल का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट जो कि इस गाने के राइटर है, तो उधर से पावर स्टार पवन सिंह रिप्लाई भी किए हैं कि आप बाबू साहब या बबुआन मत लगाओ, इसे बबुआ ही रहने दो। और आप लोग डेट देख पा रहे होंगे मई 10, 2021, यानी कि आज से 3 से 4 महीना पहले पावर स्टार पवन सिंह के पास ये गाना पहुंच चुका था। वहीं खेसारी लाल यादव इस गाने को 10 से 15 दिन पहले रिकॉर्ड किए हैं। जी हाँ, आप लोग सबूत के तौर पर खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह का आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये इतना जानना चाहते हैं कि गाना कितना दिन पहले लिखाया है? कितना दिन पहले लिखाया है? कम से कम 15-20 दिन हो गया होगा, 15 दिन। तो भैया पवन भैया का गाना 3 महीना पहले से रिकॉर्डिंग है। तो जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना, खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह खुद बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले इस गाने को लिखा गया था, तब खेसारी भैया रिकॉर्ड की है, यानी कि पवन सिंह के पास ये गाना पहले आ चुका है। हो सकता है कि दोनों स्टारों में विवाद कराने के लिए, दोनों स्टारों में झगड़ा लगाने के लिए किसी ने बीच में आकर इस गाने को लीक किया है और एक भोजपुरी में नया विवाद शुरू कर दिया है। और दूसरा बड़ा सबूत ये है कि जब भी खेसारी लाल यादव अपने गाने को रिलीज करते हैं उसकी जानकारी तकरीबन एक दिन पहले दे देते हैं, उस गाने के बारे में चर्चा होता है। लेकिन 25 अगस्त को पवन सिंह 4 बजे अपने गाने का पोस्टर शेयर करते हैं और लोगों से बताते हैं कि ये गाना कल रिलीज होगा, तभी अचानक खेसारी लाल यादव उसके कुछ घंटे बाद ही अपना गाना रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि आखिर खेसारी लाल यादव इतना जल्दीबाजी में क्यों थे। तो आप लोगों के पास ये कुछ सबूत मैंने पेश किया, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी ने इस गाने को लीक है और दोनों स्टारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक दूसरे को देखते चले कि कौन क्या कर रहा है। दोनों स्टार एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। हो सकता है कोई बीच में आकर इन दोनों को लड़ा रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है, अपना राय जरूर ही कॉमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।